नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन वाला इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों 18 से 44 साल की उम्र वालों के लिए कोरोना का टीकाकरण के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया करनी होगी तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे तो दोस्तों क्या करना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेने के बाद अब आपको गूगल में टाइप करना है कोविन ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है कोविन सी ओ डब्ल्यू आई एन कोविन डॉट जी ओ वी डॉट इन आपको इस प्रकार से जहाँ पे टाइप करना है इसे इसे फिर सर्च करना है जैसे अभी इसे सर्च करेंगे अब आपके सामने कोविन डॉट जी ओ वी डॉट इन की वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ठीक है दोस्तों इस प्रकार की आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आएगी देख लीजिए आप लार्जेस्ट वैक्सीन ड्राइव इस प्रकार की आपके सामने जो कि वेबसाइट होगी इस प्रकार से खुलेगी आपको थोड़ा नीचे आना है यहाँ पे दोस्तों 18 से 44 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं यहाँ से अपना आप अपना रजिस्ट्रेशन आप करिएगा 44 साल मेन लास्ट आपकी 44 साल उम्र होनी चाहिए 45 होंगे तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मत करिएगा ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे जाना है थोड़ा नीचे जाइएगा तो आपका ऑप्शन आप मिलेगा आपको रजिस्टर का रजिस्टर साइन इन योर या रजिस्टर विद आरोग्य सेतु अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है तो आप वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर नहीं है तो, तो आप यहाँ से अपना रजिस्टर कर सकते हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा मोबाइल नंबर जैसे आप डालेंगे उसके तो थ्रू तो आपको ओ आएगा आपके मोबाइल नंबर पर उस ओ को आपको फिल करना होगा ठीक है दोस्तों यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आया होगा जैसे हम अपने यहाँ पे दस अंकों का मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आपको गेट ओ टी पी पे क्लिक करना है ठीक है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओ टी पी आएगा उस ओ टी पी ओ टी पी को आपको फिल करना होगा चलिए जानकारी भर लेते हैं और ओ टी पी भरने के बाद आपको आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों हमने ओ टी पी पे सेंड कर दिया है अब यहाँ पर ओ टी पी आने में कुछ समय लग सकता है दोस्तों जैसे ओ टी पी आएगा यहाँ पे एक सौ बावन सेकंड एक नाइन्टी सेकंड के अंदर अंदर आपको ओ टी पी आ जाएगा शायद तक कुछ समय लग सकता है ओ के लिए यहाँ पे आपको टाइम चल रहा होगा उसके अंदर आपका ओ अगर आता है तो ठीक है नहीं आता है तो आप रीसेंड कर सकते हैं ठीक है दोस्तों वेट कीजिएगा यहाँ पे आपको ओ टी पी यहाँ पे आपको फिल करनी होगी ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों यहाँ पे ओ आ चुका है जैसे छः अंकों का ओ है आपके मोबाइल नंबर पर आ चुका है दोस्तों ओ कैसे आएगा मैं आपको थोड़ा समस्या हो सकती है यहाँ पर आपको ओ में ओ आपको एक बार में नहीं आएगा अगर आप जिस मोबाइल से अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको जिस मोबाइल नंबर से डाटा चालू है उस डाटा को आपको एक बार बंद करना होगा हो सकता है आपका डाटा अगर चालू होगा तो ओ आपको उस वही अगर मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो उस नंबर पर ओ जल्दी नहीं आएगा तो आप एक हो सकता है एक बार जैसे आप गेट ओ टी पे क्लिक क्लिक करने के बाद आप अपना डाटा बंद कर दीजिएगा आप अगर उसी नंबर से आपका डाटा चल रहा है जो आपने नंबर यहाँ पर फिल किया है ठीक है दोस्तों तो आपका ओ आ जाएगा यहाँ पे अब ओ भी समस्या हो सकती है जैसे मैंने किया तो मुझे यहाँ पे समस्या आ रही थी क्योंकि मैंने जिस नंबर से किया उस नंबर को मैंने यहाँ पे डाला है जिससे मेरा डाटा चल रहा है नेट नेट चल रहा है उसी नंबर से मैंने यहाँ पे डाला था तो समस्या आ रही थी मैंने दो तीन बार किया तो मैंने ऑफ करके किया तो मेरा ओ आ चुका है अब यहाँ पर मैंने ओ फिल कर दिया है अब मुझे क्या करना है यहाँ पर मैं वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है ठीक है जैसे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आ जाएगी हमने यहाँ पर एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है मांगे की प्रोसेस के लिए हमें थोड़ा वेट करना है जैसे हम यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यू कैन रजिस्टर फोर मेंबर विथ वन मोबाइल नंबर यहाँ से हम चार लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों यू कैन रजिस्टर फोर मेंबर्स विथ वन मोबाइल नंबर अगर एक मोबाइल नंबर से आप चार लोगों का रजिस्टर आप कर सकते हैं ठीक है दोस्तों रजिस्टर मेम्बर अब आपको यहाँ पर रजिस्टर मेम्बर पर क्लिक करना होगा ठीक है दोस्तों जैसे हम रजिस्टर मेम्बर पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने आपको आई के प्रूफ के थ्रू आई प्रूफ के थ्रू आपका रजिस्टर होगा आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड हो सकता है आपके साथ रजिस्टर यहाँ पे होगा ठीक है दोस्तों तो आई प्रूफ हम देख लेते हैं क्या क्या आई प्रूफ है उसके थ्रू हम यहाँ पर रजिस्टर करेंगे तो आई प्रूफ में हमें ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट ये सब चीज़ें जानकारी है यहाँ पे दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पे आईडी प्रूफ के लिए आपके सामने इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे जैसे आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड पासपोर्ट पेंशन पासबुक अब आपको यहाँ से कोई एक आई प्रूफ आपको सेलेक्ट कर लेना जिसका आपके पास फोटो वाला आधार आपके फोटो सॉरी फोटो वाला आपका आइडेंटी कार्ड होना चाहिए ठीक है आपकी फ़ोटो होनी चाहिए तो हमें आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा आप भी आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही तो आपको आधार कार्ड सेलेक्ट लेना, कर लेना आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको आपको थोड़ा नीचे जाना है आपको अब यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है बारह अंकों का आपको आधार नंबर यहाँ पर आपको भरना होगा ठीक है आधार नंबर भरने के बाद आपको जो आपका आधार कार्ड में नाम लिखा है जो आपको सेम आधार कार्ड में नाम लिखा है वही सेम आधार कार्ड का जो नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा ठीक है दोस्तों उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है मेल है या फीमेल मैं मेल हूँ तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपका ईयर जो आपको आधार कार्ड में आपको ईयर लिखा के बोल उन्नीस सौ सन्तानवे उन्नीस सौ पंचानवे उन्नीस सौ नब्बे जो भी आपकी उम्र होगी उस उम्र के हिसाब से नाइनटीन नाइनटी एट्टी फाइव उन्नीस सौ पचासी शायद हो सकता है उन्नीस सौ नब्बे के आसपास जितने भी होंगे उन्नीस सौ पचासी के आसपास के हो सकते हैं कुछ लोग सभी लोग अपना यहाँ पे अपना यहाँ पे ईयर डालना होगा उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करना होगा ठीक है मैं जानकारी भर लेता हूँ तब आपको आगे की जानकारी मैं बताता हूँ तो दोस्तों हमने यहाँ पर जानकारी भर ली है चलिए हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे अब हमारे सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है जैसे कि आप लोगों ने देखा स्क्रीन पे और दोस्तों यहाँ पे अगर आप दूसरे मेंबर का आप इसी नंबर से और किसी दूसरे अपने परिवार में किसी और मेंबर का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन उसका भी कर सकते हैं उसके लिए आपको थोड़ा नीचे जाना होगा और आपको एड मेंबर पर यहाँ पे क्लिक करना होगा उसके द्वारा आपको यहाँ पे दूसरा मेंबर का आप रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं ठीक है दोस्तों कुछ समय बाद आपको फर्स्ट डोज के लिए आपको मैसेज आ सकता है उसके थ्रू आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर बुलाया जाएगा वहाँ से आपको वैक्सीन लगाई जाएगी तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लें फर्स्ट डोज के लिए और अपना वैक्सीन लगवा सकें और अपना आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए जय हिंद जय जै भारत